बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर की ओर से लोकसभा में की गई टिप्पणियों पर अब कांग्रेस नेताओं ने हमला बोला है। दरअसल मुख्य विपक्षी दल की ओर से आरोप लगाया गया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने देश की 80% जनता का अपमान किया है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ये सब उनके कहने पर हुआ है। मालूम हो कि लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कुछ टिप्पणी की, जिस पर कांग्रेस और सहयोगी दलों के सदस्य हंगामा करने लगे। वहीं पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि अगर कुछ आपत्तिजनक है तो उसे रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने अनुराग ठाकुर के भाषण का वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना इस देश के 80% लोगों की मांग है। आज भरी संसद में कहा गया है कि जिसकी जाति का पता नहीं वे गणना की बात करते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या आप देश की संसद में देश की 80% जनता को गालियां दी जाएंगी। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने आगे लिखा कि नरेंद्र मोदी जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ये सब उनके कहने पर हुआ है। वहीं इसके साथ कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी की जाति शहादत है। दरअसल उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि अनुराग ठाकुर ने संसद में राहुल गांधी जी के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है वो शब्द आज देश के कानों में गूंज रहे हैं, लेकिन भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये मानसिकता भाजपा की ही हो सकती है कि वे एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें जो एक शहीद परिवार का बेटा है। राहुल गांधी के पिता का नाम शहीद और उनकी जाति का नाम शहादत है। ये बात भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझ लेनी चाहिए। भाजपा के लोगों, आप चाहे जितनी गालियां दे दीजिए, जाति जनगणना होकर रहेगी, न्याय होकर रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए